एक दूसरे को इज्जत दो, बर्दाश्त करो। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। और बीवी से फरमाया मेरी शरीयत में सजदा होता तो बीवी से कहता खामिद को सजदा कर। बेहतरीन सदका औलाद की तरबियत है। पूरा घर मेरे नबी ने नक्शा, हर एक की कीमत बताई। मां तेरे कदमों तले जन्नत, बाप का तेरे जन्नत का दरवाजा है, बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, खोलना तोड़ना नहीं, खोलना तोड़ना नहीं। तोड़ दिया तो जन्नत में ना जा सकोगे। सबसे बेहतरीन मुसलमान जो बीवी से अच्छा सलूक, सबसे बेहतरीन औरत जो अपने खामिंद की मंशा को देखे। फिर आपने एक अजब बात फरमाई जो मुआशरे में बहुत बोझ बनता है जिसका। हां भाई, तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं, तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं। उनका जी क्या? का अली बिनतुल मर्दूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई या बेवा हो गई और घर वापस आ गई मां बाप के, या मां बाप नहीं है तो भाई हैं, वो एक बोझ बनती है मां बाप पर भी, और भाई तो वैसे ही बागी हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस बच्ची पे खर्च करना कायनात का सबसे अफजल सदका है। घर, एक घर कैसे चलता है? हमारे यहां पंजाब सिंध बलूचिस्तान सरहद में बहनों को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता, सब भाई खा जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने दो बहनें दी उसने उनका हक अदा किया, शादी की हक अदा किया, मां बाप की विरासत में से होता है। अगर मैंने तो खुद कमाया है उसमें बहनों का हक नहीं, मां बाप से अगर एक रुपया भी आया है तकसीम किया जाएगा। जिसने बहनों का हक अदा किया, शादी की हक अदा किया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जिसको अल्लाह ने तीन बेटियां दी उसने उनकी डोली उठाई, वो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। एक बोले अगर दो हों, का जिसने दो बेटियों की शादी की वो भी ऐसे होगा। अल्लाह भला करे एक सहाबी का, कहा जिसकी एक हो, कहा जिसकी एक है अगर उसने उसको इज्जत से रुखसत किया तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही होगा। फिर कई बच्चियों को तलाक पड़ी है कि इसको बेटा नहीं होता। यहां आने से पहले का वाक्य, पिंडी से बच्ची रो रो बुरा हाल उसका, मैं तो फोन सुनता ही नहीं हूं ऐसे कि मेरा तो कलेजा फट गया है। हाय हाय, कहने लगी कि ससुराल ने कहा था बेटी हुई तो तलाक दे दें। मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है, और बेटी ही हुई और मुझे तलाक पड़ गई और मैं घर आ गई 22 साल की उम्र। बेटी देने वाला अल्लाह और जुल्म करने वाला ससुराल। मेरे नबी को अल्लाह ने बेटे देके उठा लिए, कासिम उठा लिए, अब्दुल्ला उठा लिए, इब्राहिम उठा लिए, चार बेटियां दी, तीन जिंदगी में उठा ली। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, तीनों आंखों के सामने चली गई, फातिमा से नस्ल चली। औरत का क्या कसूर है अगर उस बेचारी को बच्चियां हो रही। जिसने अपनी बहनों को हक अदा किया, जिसने बेटियों को डोले में बिठाया उनका हक अदा किया, का जन्नत में यूं हो जाएगा। बहनों को देना इतना जरूरी है, हराम हो जाती है रोटी। मैंने मौलाना जमशेद साहब मेरे उस्ताद है, मैंने उनसे तफसीर पढ़ी। मैं एक दिन शहद की बोतल लेकर गया, पुरानी बात है 76-77, मैंने कहा हजरत ये हदिया है। फरमाया कहां से लाए हो? कहीं मेरे अपने बाप है। फरमाया तेरे बाप ने अपनी बहनों को, तेरे बाप ने अपनी बहन यानी मेरी फूफियों को, तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था? ये सवाल क्यों किया? 10 रुपए की शहद की बोतल थी उस वक्त, कि अगर दिया था तो ये मैं ले लूंगा, अगर नहीं दिया तो फिर ये हराम है, मैं नहीं लूंगा। यह मतलब था।